प्रेजल और सबको जैम सी की। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज कनाडा क्रूसर का सेकंड डे है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और हमारी नई से नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू। और उस क्रूसर में अपोस्टर अंकुर यूसुफ नूला जी एंट्री करते हुए और उस क्रूसर पर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में लोग शामिल हुए। हर एक सेक्शन फुल था और परमेश्वर के दास जब पुलपट पर आए तो लोग बहुत ज़्यादा आनंदित हुए और परमेश्वर के दास ने उस पुलपट पर आकर परमेश्वर के वचन को उन लोगों को दिया और उस वचन को सुनकर लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस हुए और उन्होंने उस वचन को सुनकर आशीष को पाया और परमेश्वर के वचन को सुनकर वो सब लोग आज़ाद हुए। वचन के बाद परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूला जी ने उनके लिए फायर प्रेयर की। फायर प्रेयर के दौरान परमेश्वर ने भारी मात्रा से उन लोगों को छुआ और उनको हर एक कर्ज से, हर एक बीमारी से, हर एक जादू टोने से, हर एक शराब से, हर एक गंदी शराब से, हर एक गंदी रूह से उन्हें आज़ाद किया और परमेश्वर की बड़ी ब्लेसिंग, बड़ी आशीष उनकी ज़िंदगी में ठहरी। और इसके बाद उन सब की ज़िंदगियों में बड़ी गवाहियाँ आई और उन सब ने आगे आकर अपनी गवाहियों को शेयर किया और उन्होंने बताया कि प्रार्थना के दौरान परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने उन्हें कैसे टच किया और आज़ाद किया। और उसके बाद अपोस्टल जी ने उन सबके ऊपर ले हैंड किया। ले हैंड के दौरान हर एक जन शिफा पाई और बड़ा स्पर्श उनकी ज़िंदगियों में हुआ और वो स्पर्श पाकर बहुत ज़्यादा आनंदित हुए और परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्य किया। कनाडा में परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने अपनी बहुत सारी महिमा को लिया, सुसमाचार को दिया और भारी मात्रा में कनाडा में लोग बचाए गए। आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। सबको जैम सिकी। गॉड ब्लेस यू ऑल।